आज फिर हमने अपने घरों के नज़दीक पाए जाने वाले एक कीमती औषधीय पौधे के बारे में आपको जानकारी देने का विचार किया है। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं पेशे से वैद्य हूँ। आज जिस बूटी से आपका परिचय करवा रहे हैं, इसका नाम है भटकटेया। इसे कटेरी, छोटी कटेरी और कंटकारी भी कहते हैं। इस बूटी को आपने अपने घर के नज़दीक से कई बार उखाड़कर फेंका होगा। इसके पत्ते 1 से 8 इंच तक लंबे व 1 से 3 इंच तक चौड़े होते हैं। इसके नीले रंग के फूल व इसके फल कच्चे होने पर हरे रंग के तथा पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। इसके फूल की पंखुड़ियां व फल को छोड़कर अन्य सभी जगह पर 1 से 1.5 इंच तक लंबे कांटे लगे होते हैं। इसके पत्तों पर भी 1 से 1.5 इंच तक लंबे कांटे लगे होते हैं, इसीलिए इसे कंटकारी कहा जाता है। कंटकारी के कोमल फूलों को इमाम दस्ते की मदद से कूट करके शहद के साथ चटाने से बच्चों की खांसी चली जाती है। कंटकारी के फलों को तोड़ करके उसमें से बहुत ही चिकने बीज निकलते हैं। उन बीजों को जला करके उनका धुआं लेने से दांत के अंदर लगा हुआ कीड़ा जो है वो मर करके बाहर आ जाता है और दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है। कंटकारी के फलों में बहुत से कैंसर ट्यूमर के खिलाफ गुण होते हैं, इसीलिए इन्हें कई प्रकार के ट्यूमर्स में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। कंटकारी की जड़ को गुड़चू की जड़ के साथ 3-3 ग्राम की मात्रा में मिला करके एक साथ लेने से किसी भी प्रकार की अस्थमा की बीमारी में बहुत लाभ मिलता है। कंटकारी के पंचांग को सुखा करके उसका चूर्ण बना करके कई प्रकार के च्यवनप्राश में खांसी, दमा और बदन दर्द के लिए आराम में इस्तेमाल किया जाता है। कंटकारी के पत्तों का 5 ग्राम रस निकाल करके प्रतिदिन पीने से बदन दर्द में आराम मिलता है। कंटकारी के पंचांग का काढ़ा बना करके 40 से 80 ग्राम की मात्रा में पीने से हर प्रकार के जोड़ों के दर्द, सूजन व हर प्रकार के बदन दर्द में आराम मिलता है। इन सब के अलावा कंटकारी कान दर्द के लिए, जाड़ दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, बदन दर्द के लिए रक्त शोधक व वीर्य शोधक है। कंटकारी की जड़ का चूर्ण छोटी पिपली और शहद के साथ मिलाकर के चाटने से पुराना कफ गलकर गले से बाहर आ जाता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है। अस्थमा, खांसी, जुखाम, कफ की ये एक महाऔषधि है। चरक जी महाराज ने इसको अपने ग्रंथ में महाऔषधियों के रूप में रखा है। अगर हमारे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।